राजस्थान में 10 मई से 24 मई तक लगने वाले संपूर्ण लॉकडाउन में कौन कौन सी सेवाएं बंद रहेगी, कौन सी सेवाएं खुली रहेगी, शादी में कितने लोगों को परमिशन रहेगी और दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्तियों को होम आइसोलेशन या क्वारंटीन किया जाएगा, इस सारणी के माध्यम से समझें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौन कौन सी दुकानें कब खुलेगी, आपके जरूरी सामान से जुड़ी दुकानें कब खुलेगी, कब बंद होगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। तो इस सारणी के माध्यम से समझें, बिल्कुल शीशे की तरह साफ समझाया गया है। तो टाइम निकालकर प्लीज इस वीडियो को आप पूरा वॉच करें और सारी जानकारी एक ही वीडियो से लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हनुमान सेवलिया एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HS टेक्निकल सपोर्ट पर स्वागत करता हूं। और यहां पर बात करेंगे राजस्थान में जो संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है 10 मई से 24 मई तक, उसमें यहां पर सारणी के माध्यम से आप समझे कि कौन कौन सी चीजें अनुमत रहेगी, कौन कौन से यहां पर देख सकते हो आप, कौन कौन से यहां पर दुकानें खुलेगी और दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्तियों को होम आइसोलेशन या क्वारंटीन किया जाएगा, या उनको देख सकते हो क्या क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। मतलब आपको एक बिल्कुल सारणी की तरह, बिल्कुल शीशे की तरह साफ जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। मैंने पिछला वीडियो डाला था, जैसे ही सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी संपूर्ण लॉकडाउन की, तो उसका हमने वीडियो डाला था आपको कि 10 मई से 24 मई तक जो लॉकडाउन लगेगा उसमें क्या क्या खुला रहेगा। तो उस वीडियो में हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और काफी लोगों के कमेंट आए हमारे पास, और लोग यहाँ पर बता रहे थे कि क्या खुला रहेगा या शादी में कितने लोग शामिल हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन थे। तो उसी को लेकर हम यहाँ पर एक बिल्कुल एकदम साफ जानकारी लेकर आ गए आपके लिए, सारणी के माध्यम से आपको समझाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो अनुमति वाले और गैर अनुमति वाले दोनों ही आपको कंपेयर करके यहाँ पर सारणी के माध्यम से बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में सभी में शेयर करना है। और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना और हमारी मेहनत को सफल बनाना, ताकि हम आपको ऐसे ही जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन होती है या सरकार की जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो आपको बिल्कुल सही तरीके से समझा सकें और सही तरीके से बता सकें, ताकि आप लोग भी समझ जाएं और आराम से आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने काम से काम आप कर सकें, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, आप आराम से परमिशन लेके यहाँ पर शादी में कितने लोग शामिल हो सकते हैं उनसे संबंधित सारी जानकारियाँ हम आपको दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और उसी वीडियो में बात करेंगे, सारणी के माध्यम से आपको समझाते हैं क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, मजदूर अपने काम पर जा सकते हैं, ऐसे कुछ जो भी है वो आपको सब कुछ बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिनांक 10/5/2021 से दिनांक 24/5/2021 तक गैर अनुमत और गैर अनुमत सेवाओं की सूची। तो ये PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अनुमत वाले देख सकते हो नाम, कार्यालय, संस्था इत्यादि और अनुमति का समय, और गैर अनुमति देख सकते हो। तो पहले अपन बात कर लेते हैं राजकीय कार्मिक कार्यालय, यथा जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, विधि विज्ञान, प्रयोगशाला, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम एवं वार रूम, वन और वन्य जीव विभाग, आयुर्वेदिक विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम एंड नगर विकास, पर्यावरण, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य बीमा एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधित, ये सभी 4 बजे तक खुले रहेंगे। जो इनका ओपनिंग टाइम होता है मॉर्निंग से, वो 4 बजे तक इनका क्लोज टाइम रहेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर इनकी अनुमति रहेगी। और गैर अनुमति है सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधित, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहार, मेले तथा सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट, सभी प्रकार की खाद्य पदार्थ का सामान, आटा, चक्की से संबंधित खुदरा रिटेलर, थोक होलसेल दुकानें सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक कंटिन्यू खुली रहेगी। देख सकते हो आप 6 बजे से 11 बजे तक सोमवार से शुक्रवार। फिर उसके बाद में वीकेंड कर्फ्यू आ जाता है शनिवार इतवार को। अब यहां पर देखिए गैर अनुमत क्या है, प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, मिठासन, बेकरी, रेस्टोरेंट, केवल होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 8 बजे तक, यानी ये दुकानें खुलेगी नहीं, होम डिलीवरी हो सकती है, देख सकते हो। तीसरा नंबर पॉइंट, पशु चारा से संबंधित खुदरा रिटेलर, थोक होलसेल दुकानें सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुली रहेगी, मतलब सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेगी सोमवार से शुक्रवार। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर, शादी समारोह की अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है इनकी बिल्कुल ही, आप देख सकते हो। फिर 4 नंबर, कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें परिसर सोमवार से गुरुवार प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद में सिनेमा हॉल्स, यानी जो गैर अनुमत है वो सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं स्विमिंग पूल और सामान्य स्थान, ये सब बंद रहेंगे, देख सकते हो आप, ये गैर अनुमत है। रेड कलर में जो आप दिख रहा है वो गैर अनुमत है और इनको यहाँ पर अनुमति है गाइडलाइन के हिसाब से।
अब यहाँ पर 5 नंबर बात करते हैं डेयरी एवं दूध की दुकानें। ये प्रतिदिन 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक खुलेगी। ये आप ध्यान रखें, डेयरी और दूध की दुकानें आप 6 बजे से 11 बजे तक ले सकते हैं और 5 बजे से 7 बजे तक। अब यहाँ पर देख सकते हो, विवाह संबंधित आयोजन यथा डीजे, बारात निकासी, प्रतिभोज, सामूहिक भोज इत्यादि की अनुमति नहीं है, इनकी अनुमति नहीं है। शादी के लिए टेंट हाउस हलवाई से किसी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी किसी प्रकार से अनुमत नहीं है, तो बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। 6 नंबर, मंडियां, फल एवं सब्जियां, फूल माला की दुकानें प्रतिदिन 6 बजे से 11 बजे तक। ये ध्यान रखें, प्रति 6 बजे से 11 बजे तक। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अन्य ग्रामीण योजना, ये सब बंद रहेगी। गाँव में जो नरेगा का कार्य होता है वो सब कुछ बंद रहेगा। फिर आते हैं सब्जियों एवं फलों की ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा विक्रय पर प्रतिदिन 6 बजे से साय 5 बजे तक ये रहेगा। बस जीप इत्यादि समस्त सार्वजनिक निजी में सभी सरकारी, ये देख सकते हो सरकारी ये वाहन जो मेडिकल सेवाओं के लिए अनुमति है वो चलेंगे, बाकी के सब प्राइवेट बंद रहेंगे, सरकारी भी वाहन बंद रहेंगे, जैसे कि बसें, रोडवेज। समाचार पत्र वितरण 4 बजे से 11 बजे तक। निर्माण सामग्री संबंधित दुकानें, यहाँ पर दूर बस से ऑर्डर होने पर सप्लाई की जा सकेगी। फिर है ऑप्टिकल, मंगलवार से शुक्रवार को 6 बजे से 11 बजे तक ये ऑप्टिकल की जो है वो यहाँ पर खुले रहेंगे, ठीक है। समस्त शैक्षणिक कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरीज, ये बंद रहेगी, ये गैर अनुमत है। बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की सेवाएं, इंस्टीट्यूशन की सेवाएं 2 बजे तक रहेगी, जैसे बैंक वगैरह है वो 2 बजे तक खुले रहेंगे 10 बजे से लेके। मेट्रो का संचालन बंद रहेगा। इंदिरा रसोई 8 बजे तक रहेगी, रात्रि 8 बजे तक रहेगी इंदिरा रसोई। पेट्रोल डीजल पंप, सीएनजी, पेट्रोल और गैस संबंधित सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुले रहेंगे। जैसे इनकी गाइडलाइन जो 30/4 जो अप्रैल वाली चल रही है वही गाइडलाइन है और उसी में यही सब कुछ दे रखा है। एलपीजी वितरण 6 बजे से 5 बजे तक। खनन, पंजीयन, मुद्रांक, आबकारी दुकानें, यानी आबकारी जो दुकानें शराब की वगैरह, 6 बजे से 11 बजे तक आबकारी दुकानें हेतु। यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं, चिकित्सा उपकरण संबंधित 24 घंटे, एटीएम सेवाएं 24 घंटे, सेबी एवं स्टॉक से संबंधित, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरिंग हाउस 24 घंटे, निजी सुरक्षा सेवाएं, एटीएम, अस्पताल आदि 24, समस्त औद्योगिक निर्माण से संबंधित 24 घंटे, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया, कार्मिक आईडी कार्ड के साथ अनुमत होंगे 24 घंटे, अंतर्राज्य एवं राज्य के अंदर आवश्यक माल की परिवहन करने वाले भारी वाहन आवागमन, माल लोडिंग अनलोडिंग कार्य उक्त हेतु योजना व्यक्ति 24 घंटे, नो एंट्री की पालना। तो यहाँ पर देखिए, गर्भवती महिलाएं, रोगियों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन 24 घंटे, टीकाकरण हेतु उचित पहचान पत्र के साथ प्रतिदिन 10 बजे से 5 बजे तक। सरकारी राशन की दुकानें प्रति 9 बजे से 1 बजे, 2 बजे से 5 बजे तक। दूर संचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, ई मित्र, आधार केंद्र, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी से संबंधित सेवाएं ये खुली रहेगी। और मेडिकल एवं नर्सिंग महाविद्यालय 24 घंटे, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे, यहाँ पर देख सकते हो बस इंडे, रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले व्यक्तियों की यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी 24 घंटे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो, उपयुक्त सारणी राजस्थान सरकार के गृह विभाग ग्रुप 7 के विभाग की क्रमांक 71/7/2021 जयपुर की दिनांक 30/4/2021 व यहाँ पर 7/2/6/5/2021 के अनुरूप तैयार की गई है। फिर भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर प्रोसेसिंग आदेशों के अनुरूप अपने अनुसार निर्णय लिया जाना सुनिश्चित करे। अब यहाँ पर आपको जो दोनों गाइडलाइन जारी की गई है, एक आप गाइडलाइन देख सकते हो 30/4/2021 की, उसमें भी आप देख सकते हो, और एक गाइडलाइन 6/5/2021 की, तो उसी के अनुरूप ये रहेगा। और बाकी मैंने आपको जो जरूरी आपके जो सामान, जरूरी जो दिनचर्या की जो दुकानें हैं वो, या फिर जरूरी जो आपको आना जाना है वो आपको मैंने बता दिया है किन लोगों का खुला रहेगा किन का। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप जैसे जानना चाहते हो कि शादी की अनुमति कैसे लें, या फिर आप हरिद्वार, जैसे मोक्ष, किसी परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु हो गई तो हरिद्वार जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर सरकार ने बिल्कुल फ्री में यहाँ पर बसें लगा रखी है। उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। मोक्ष यात्रा के लिए निःशुल्क पंजीयन, उसके बाद में आप घर बैठे पंजीयन कर सकते हैं, और जैसे ही वहाँ पर आपको मैसेज आएगा तो उसी हिसाब से आप यात्रा कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में। उसी बस में जाएंगे, उसी बस में वापस ला के छोड़ दिया जाएगा। ये तो हो गई ये बात। शादी की अनुमति के लिए आपको कैसे आवेदन करना है उसका वीडियो बनाया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर देख सकते हो लॉकडाउन टू राजस्थान, इसके एक आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। और इसका पिछला वीडियो ही था, हमने जो परमिशन का वीडियो डाला था, आप ऐसे परमिशन लें शादी विवाह योजना के लिए, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। और 11 लोगों को अनुमति है, 11 लोग ही उस शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं।
अब भी आपके किसी प्रकार का डाउट रहता है, आपके किसी प्रकार की समस्या आती है या आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है और हम प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई दे रहे हैं। और ये वीडियो आपको बिल्कुल, यहाँ पर देखिए हमारी मेहनत, हमने मेहनत की है और ये मेहनत आपको अच्छी लगी है। ये जो सूची है सारणी है वो मैं डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, तो PDF डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकाल सकते हो। यहाँ पर गैर अनुमत है और अनुमति है, ठीक है, दोनों आपको बता रखी है। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ठोकना है और आपके जो भी फेसबुक है, व्हाट्सअप है, जो सभी ग्रुप है उसमें सभी में ये शेयर होना चाहिए, सभी को पता लगना चाहिए कि क्या चीज़ें खुली रहेगी क्या बंद रहेगी, ताकि घबराए नहीं लोग और मास्क लगा के रखें, नो मास्क नो एंट्री का पालन करें, नो मास्क नो मूवमेंट का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सभी का ख्याल रखें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ठोके, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में लेटेस्ट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।